वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम बॉडी के जितने भी पार्ट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका जो मूवमेंट्स होगा पार्ट्स ऑफ द बॉडी का उसके बारे में पढ़ेंगे। की पॉइंट्स क्या हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट किस अकॉर्डिंग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। पूरा एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो बोन से मिलकर बनता है। तो किस तरीके से बनता है, बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये है कि जो नेटवर्क ऑफ बोन है हमारी बॉडी में उसको स्केलेटन बोलते हैं। जो हमारी पूरी बॉडी है वो बोन से मिलकर बनी हुई है। तो पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क सिस्टम है, दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद थर्ड इज कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। तो क्या होता है कार्टिलेज, क्या होता है लिगामेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट, जॉइंट के बारे में, मसल्स के बारे में। एंड लास्ट पॉइंट इज मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिजम्स। हम और भी ह्यूमन का पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, एंड एंड ऑफ द चैप्टर में हम अदर ऑर्गेनिजम्स में किस अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टीचर इज सेइंग हैव यू हियर्ड ऑफ अ डिसीज कॉल्ड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बारे में क्या आपने कभी सुना है, इस बीमारी के बारे में, ये क्या है? इट इज अ डिसीज दैट कॉजेज स्वेलिंग। इस डिसीज में क्या होता है, स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस थोड़ी हार्ड होते हो जाती है वो जगह, एंड पेन और दर्द होता है इन अ पर्सन ज्वाइंट। जहां भी ज्वाइंट होगा, चाहे हैंड में होगा चाहे लेग में होगा, उस ज्वाइंट्स में पेन होता है। आर्थराइटिस कीप्स ज्वाइंट्स इन आर बॉडी फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। आर्थराइटिस की वजह से ही जो हमारे ज्वाइंट्स हैं वो वर्क करते हैं प्रॉपरली, और इस डिसीज में स्वेलिंग आ जाती है उन ज्वाइंट्स के पास और पेन होता है। वी देयर फोर शुड बी रेगुलर एक्सरसाइज, और इसी वजह से हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि टू कीप आर बॉडी पार्ट्स एक्टिव फ्लेक्सिबल एंड फ्री फ्रॉम सच डिसीज। इस तरीके से बीमारी ना हो, अगर हम अपने पार्ट्स को यूज में नहीं लेंगे, ज्वाइंट्स को यूज में नहीं लेंगे, देन वो वहीं की वहीं चौक हो जाते हैं। तो उन्हें एक्टिव फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू कीप एनी मशीन वर्किंग प्रॉपरली, कोई भी मशीन वर्क प्रॉपरली जब करेगी, यू शुड फर्स्ट नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, कि आप पहले उस मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते होंगे। सिमिलरली टू कीप आवरसेल्फ्स फिट एंड हेल्दी, ऐसे ही हमारा है पर्संस का कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए वी शुड नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। हमें अपने पार्ट्स के बारे में, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। द चैप्टर गिव्स यू एन इनसाइट अबाउट डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बॉडी मूवमेंट्स होंगे उनके बारे में, एंड हाउ दे आर कैरिड आउट, और वो मूवमेंट किस अकॉर्डिंग होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ टाइनी सेल्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज होती हैं वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। दीज सेल्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हम अपनी नॉर्मल आई से बिना किसी भी हेल्प के, किसी भी माइक्रोस्कोप की या फिर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, इतनी छोटी होती हैं वो सेल्स। बट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा, सिर्फ हम उससे ही देख सकते हैं। इसी वजह से सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल्स को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। इस सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जो सेल होती है वो एक सबसे छोटा पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से छोटा और भी कोई पार्ट नहीं होता है, सेल सबसे छोटा पार्ट है जिसके हम और हिस्से नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटा ही है। और अगर हम सेल और सेल मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है उसे टिश्यू बोलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है सेल सबसे छोटा पार्ट है, देन ग्रुप ऑफ सेल बनेगा उसे टिश्यू बोलेंगे, फिर इसी अकॉर्डिंग टिश्यू टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं कंप्लीट। ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। इसी अकॉर्डिंग ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और देन कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनती है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब कई सेल्स ऐसे होंगे जिनका वर्क सेम ही होता है,
तो जिन सेल्स का वर्क सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, उनको मिला के एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसको बोलते हैं टिश्यू। ऐसे ही कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जो साथ में काम करते होंगे, एक जैसा काम करते होंगे, तो उनको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है, उसका नाम रखा गया ऑर्गन। तो ए ग्रुप ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर इज कॉल्ड एन ऑर्गन। इसके बाद आगे बात करते हैं, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे सम ऑर्गन्स हैं विच वी कैन सी लाइक आईज, आईज भी ऑर्गन है, नोज एक अलग ऑर्गन है, ईयर्स, हैंड्स, लेग, शोल्डर, बैक एक्सेट्रा, ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। एंड सम ऑर्गन्स आर दोज विच आर इनसाइड आर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर है, एंड वी कैन नॉट सी देम लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। वेरियस ऑर्गन्स वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो साथ में काम करते हैं, तो जो साथ में काम करेंगे उनको एक ऑर्गन सिस्टम बोला जाएगा। सच सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा, सेल सबसे छोटा है, सेल सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल जो बनता है उसको टिश्यू बोला जाता है। इसी अकॉर्डिंग जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, दैट मीन कि वो एक ऑर्गन बना रहा है। इसी अकॉर्डिंग ऑर्गन ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारा जब मिल जाता है, देन हमारी बॉडी फॉर्म होती है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्गन सिस्टम्स के नेम बता देती हूँ आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं एंड कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, लेकिन वर्क सभी का अलग अलग है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन होंगे वो अलग होंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग सिस्टम है, इसी अकॉर्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम अलग सिस्टम है, इन सब में ऑर्गन अलग अलग होंगे। तो वो कौन से होंगे वो हम आगे पढ़ना है, यहाँ हम ऑर्गन सिस्टम का नेम पढ़ रहे हैं और उसके साथ में उसका वर्क पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल, दैट इज ऑक्सीजन, वो सॉरी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यही होगा कि वो क्या करता है, ट्रांसफर्स ऑक्सीजन टू द ब्लड, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, जिससे हमारा ब्लड पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, देन वो उसे बॉडी से एक्सहेल कर दिया जाता है। तो ये वर्क है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें क्या क्या ऑर्गन हमारा बॉडी का जो पार्ट है क्या क्या वर्क करता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्गन सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम नेम से ही पता है, सर्कुलर दैट मीन पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ सर्कुलेट होता रहता है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट फूड। सबसे पहले फूड जो भी हम इनटेक करते हैं, उस फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट की जाती है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी नीडेड है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन भी बाय द ब्लड या फिर थ्रू ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्ट दो चीजें होती हैं, सर्कुलेट दो चीजें होती हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। तो ये वर्क है सर्कुलेटरी सिस्टम का। थर्ड आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन से ही हम ले सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसका जो सिस्टम है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। वर्क क्या है, गिव्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। बॉडी को एक फ्रेम मिलता है, सपोर्ट्स जो भी हमारी बोन है उन्हें सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, और सबसे बड़ा वर्क है कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में जो भी मूवमेंट होता है उसमें जो हेल्प करता है, दैट इज आर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारी बोन से मिलकर बना हुआ है, हमारे बोन्स में जॉइंट्स भी होते हैं, उन्हीं जॉइंट्स की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, हैंड्स का भी, लेग्स का भी। तो वो सारा जो सिस्टम है, वो सारा जो फ्रेमवर्क है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। फोर्थ इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आता है कि हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, उसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम वर्क करता है। तो वर्क है रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिफ्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें उससे एनर्जी निकालना, और एनर्जी निकल जाती है, दैट मीन फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है।
तो वर्क क्या है, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स टू गिव एनर्जी टू द बॉडी। फूड डाइजेस्ट क्यों होता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले एंड हम आगे और भी वर्क करें। इसके बाद नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, ट्रांसमिट मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाना। जैसे हमने कभी भी किसी भी गर्म बर्तन है, जैसे हॉट वाटर है, चाहे आपने उसमें हाथ दिया है, या आपको कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी अगर किसी भी ज्यादा गर्म चीज से या ज्यादा ठंडी चीज से टच होता है, तो डायरेक्ट एक मैसेज हमारे माइंड को जाता है कि आपको इसे टच नहीं करना है, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो वो जो मैसेज भेजने का जो वर्क है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और इसी अकॉर्डिंग ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम। मेन जो इसका वर्क है दैट इज मैसेज सेंड करने का ब्रेन को, जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को आपने टच किया है वहां से एक मैसेज जाता है बाय द नर्वस सिस्टम माइंड को, एंड माइंड अगेन एक मैसेज सेंड करता है कि आपको वहां से अपना हाथ हटाना है, रखना है, कुछ भी मैसेज हो सकता है। तो ये जो मैसेज ट्रांसमिशन का जो वर्क है दैट इज नर्वस सिस्टम। और जो लास्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 8th, 9th, 10th। इसमें यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल जेमेट्स टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। मेल एंड फीमेल अपने ऑफस्प्रिंग को जो बर्थ देते हैं बाय द रिप्रोडक्टिव सिस्टम देते हैं, तो वो जो जेमेट्स को बर्थ दिया जाता है, ऑफस्प्रिंग होता है जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। जैसे हमारे मदर फादर हैं, उन्होंने हमें बर्थ दिया है, देन ऐसे ही ये जनरेशन आगे चलती जाएगी। दैट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th में। तो यहाँ आज जो हमने पढ़ा है मेनली वो पढ़ा है हमने बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में, कि मूवमेंट्स किस अकॉर्डिंग होता है। सेल के बारे में हमने पढ़ा है, सेल में से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन हम बनते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, वो हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मूवमेंट इन आवर बॉडी। इसके बाद मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट होते हैं, किस अकॉर्डिंग होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वॉट इज कॉमन इन दीज एक्टिविटीज, अब कुछ एक्टिविटीज के नेम यहाँ दिए गए हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग एंड जंपिंग, खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है, एक कॉमन चीज ये है कि इन सब के लिए मूवमेंट जरूरी है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। तो यस, वाइल डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज आर बॉडी मेक सम मूवमेंट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। नाउ वॉट इज कॉमन इन दीज एक्टिविटीज, अब अदर और एक्टिविटीज हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ हर्ट, हर्ट का बीट करना, ब्रीथ करना, इन सब में क्या कॉमन है, इन दीज एक्टिविटीज ऑल्सो आर बॉडी इज मेकिंग सम मूवमेंट्स। चाहे ये एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ये एक्टिविटी बाहर हो रही है, इंटरनल एक्टिविटी हो या एक्सटर्नल एक्टिविटी हो, कॉमन यही है कि हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मूवमेंट होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में कॉमन तो ये चीज है कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उस ग्रुप को अलग रखा गया है एंड इस ग्रुप को अलग रखा गया है। इन द फर्स्ट ग्रुप आर बॉडी पार्ट्स मूव्स व्हेन वी वांट देम टू मूव, फर्स्ट ग्रुप में जो एक्टिविटी है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंट्रोल है, इन पर कंट्रोल है हमारा, ईटिंग जब हमारा मन करेगा हम जब ही खाएंगे, जितना मन करेगा उतना खाएंगे, जितना मन करेगा उतना जंप करेंगे, जितना मन करेगा उतना प्ले करेंगे, हमारा क्या कहते हैं इसमें कंट्रोल है इन एक्टिविटीज पर, फर्स्ट ग्रुप वाली जो एक्टिविटीज है। तो जिन एक्टिविटीज पर हमारा कंट्रोल है, जिन पर हमारी चलती है, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड वॉलेंटरी मूवमेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए वॉलेंटरी मूवमेंट्स कौन से होते हैं, तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम चाहेंगे वो जब ही होंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जंपिंग एक्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप की जब हम बात करेंगे, इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज
Some parts of our body make movements which we do not notice easily. ऐसे movements जिन पर हमारा control नहीं होता है, हम control नहीं कर सकते हैं. और secondly, हम उनको देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी body के अंदर होते हैं. Which we do not notice easily and cannot fully control such movements. हम ऐसे movements को control भी नहीं कर सकते हैं. Such movements are called involuntary movements. ऐसे movement को involuntary movements बोला जाता है. In the activities of the first and second group, the common thing to notice is that different parts of our body move. हमारी जो common thing है वो ये है कि हमारी body के different parts हैं, वो move करते हैं, but we remain at the same place. लेकिन हम एक ही जगह पर बैठे खड़े होकर भी या एक ही जगह पर रहकर भी हम इन work को कर सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. हम इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी पार्ट. जिसकी वजह से ही ये मूवमेंट होते हैं, चाहे वॉलेंटरी मूवमेंट हो या इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो. जो रिस्पॉन्सिबल है वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन. क्या है एक स्केलेटल सिस्टम और उसमें कौन कौन से ऑर्गन है जो वर्क करते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं. द स्केलेटल सिस्टम डिफाइंस द फ्रेमवर्क और द स्ट्रक्चर ऑफ आर बॉडी. हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो डिफाइन करता है. वो क्यों जरूरी है? कि हमारी बॉडी को फ्रेम देने के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए वो जरूरी है. शो करता है स्केलेटल सिस्टम, ये शो करता है कि हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो किस अकॉर्डिंग जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से. हाउ द बोन्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड. स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं एंड कार्टिलेज. बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में. लेकिन स्केलेटल सिस्टम डिफाइन करता है एक फ्रेमवर्क को, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क किस अकॉर्डिंग है एंड स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग है. इफ यू प्रेस योर पाम, अगर हम अपनी पाम को प्रेस करते हैं, यू विल फील सम हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट. हमारी पाम में ही दो तरह के पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट भी होगा एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट पार्ट भी होगा. द हार्ड पार्ट इज द बोन. जो हार्ड पार्ट है दैट इज बोन एंड सॉफ्ट पार्ट इज फ्लैश. फ्लैश बोलते हैं जो सॉफ्ट पार्ट है जिसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. अब बोन्स कितनी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन. एक एडल्ट ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 206 बोन्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं. बच्चों में बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स कम है. मैक्सिमम जो होता है 206 बोन्स का एवरेज होता है. दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. जो बोन्स हैं उनका शेप अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है. यू कैन फील लॉन्ग बोन्स इन द लिम्स एंड स्मॉल बोन्स इन द रिस्ट. जो हमारी लिम्स होती हैं, पैरों की जो बोन होगी वो लंबी होंगी एंड रिस्ट हमारे हाथों में जो बोन होती हैं वो छोटी होती हैं. एंकल्स में भी, फिंगर्स में भी, फिंगर्स में और भी छोटी बोन होती हैं. तो जो बोन का शेप और साइज है वो हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन जब टोटल नंबर काउंट करते हैं तो 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. क्लियर? एंड ये बोन्स का जो नेटवर्क है पूरा, द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आर बॉडी फॉर्म्स द स्केलेटन. और जो नेटवर्क बनता है पूरा बोन का, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. उसे हम स्केलेटन बोलते हैं. तो एक डायग्राम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, ये मैं आपको बता देती हूँ. आपकी बुक में भी है डायग्राम, पेज नंबर 91 पर ये डायग्राम है. स्टार्टिंग से बताती हूँ. स्कल, जिसको हम हिंदी में अपना खोपड़ी भी बोलते हैं, तो वो जो पार्ट है अपना ऊपर का पार्ट, दैट इज स्कल. जो बोन होती है हमारे जहाँ पर अपने दांतों के नीचे जो होती है वो जो बोन है. कॉलर बोन, जहाँ पर अपनी शर्ट की कॉलर आती है वहाँ पे बोन है, वे कॉलर बोन है. ब्रेस्ट बोन, हमारी ब्रेस्ट में होती है. ह्यूमरस, हमारे हाथ के कोहनी के ऊपर वाली जो हड्डी है, दैट इज ह्यूमरस. और रेडियस और उल्ना जो है वो दो हड्डियां हैं जो हमारी कोहनी के नीचे होती हैं. हमारी कोहनी के ऊपर एक ही बोन है और कोहनी के नीचे वाले पार्ट में दो है. एक का नेम है रेडियस और एक का नेम है युलना. और इसके बाद बोन्स ऑफ द हैंड जो हमारे हाथ में होती है.
इसके बाद इधर आते हैं शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर वाली हड्डी होती है जहां से हम अपने शोल्डर को 360 भी रोटेट कर सकते हैं। रिब केज, बैकबोन जो होती है वो बैक में होती है, पीठ में। इसके बाद हिप, पेल्विस जो होती है, फीमर, फीमर होती है हमारे नी के ऊपर वाली जो हड्डी है दैट इज फीमर, और नी कैप जो नी में होती है दैट इज नी कैप, एंड नी के नीचे वाले हिस्से में बात करते हैं वहां पर दो बोन्स प्रेजेंट है दैट इज फिबुला एंड टीबिया। तो फिबुला एंड टीबिया दो बोन है जो हमारे नी के नीचे वाले हिस्से में, एंड सिमिलरली बोन्स ऑफ द फूट, जो पैरों की जो बोन्स है उनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो ये बोन्स है 206 डायग्राम में शो नहीं है क्योंकि फिंगर्स वाली है या फिर अंदर और भी बोन्स हैं जिन्हें काउंट नहीं किया गया है। मेनली आपको सिर्फ वही बताया गया है जो आपके काम में आने वाली है। तो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ईयर लोब एंड द टिप ऑफ द नोज आर मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस नॉट एज हार्ड एज बोन। बोन जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कान और नाक में जो हड्डी होती है वो बोन नहीं होती है, मतलब बोन जैसी ही होती है लेकिन बोन जैसी हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसे कार्टिलेज बोला गया है। ईच बोन इज हार्ड आउटसाइड, बोन जो होती है वो बाहर से तो बहुत हार्ड होती है, एंड हैज अ स्पंजी टिश्यू इनसाइड, और अंदर से स्पंजी होती है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी हैव अ सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो। अब जो बोन होती है उनके अंदर जो लिक्विड जो कैविटी जो फिल होती है उसका नेम है बोन मैरो, विच मेक्स डिफरेंट ब्लड सेल्स, जहां पर बहुत सारे ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, बोन्स किस किस से मिलकर बनती है, कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, एंड फाइब्रस मैटर होता है जिससे मिलकर बोन बनती है। बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन मेंड देम सेल्स, बोन्स जो होती है वो सेल्स से मिलकर बनती है और खुद को ही वो एडजस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन पर, कि जो स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसका क्या वर्क है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बींग एंड अदर मैमल्स द स्केलेटन लाइज विद इन द बॉडी। ह्यूमन बींग्स की बात करें या अदर मैमल्स की, जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर होता है। इट हैज सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आर बॉडी हैज ए स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द स्केलेटन, हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक शेप है किसकी वजह से, स्केलेटन सिस्टम की वजह से। जो हमारी बॉडी का जो भी शेप है, एवरी ह्यूमन बीइंग का शेप अलग अलग हो सकता है, तो फ्रेमवर्क वैसे तो एक जैसा ही होता है, लेकिन जो फ्रेमवर्क है या जो शेप है वो स्केलेटन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होती है। द स्केलेटन सपोर्ट्स आर बॉडी, स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। द बोन्स इन द बैक एंड स्ट्रॉन्ग स्टर्डी बोन्स ऑन आवर लेग्स इनेबल अस टू स्टैंड इरेक्ट, हमारी जो पैर की जो बोन्स है वो डिसाइड करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं सीधे खड़े रहने में। द बोन्स ऑफ आर लोअर लिम्स कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी, और हमारी जो पूरी बॉडी का जो वेट है वो भी हमारी नीचे पैरों वाली बोन्स पर ही होता है। थर्ड इज स्केलेटन प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी का जो डेलिकेट ऑर्गन है जो सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है उसको ही स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करके रखता है। देर आर सेवरल डेलिकेट ऑर्गन्स इन साइड आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स और भी हैं विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल है हर्ट, हर्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत सॉफ्ट है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होते हैं जो ऊपर रिब केज बनाया जाता है, पिंजरे टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे रिब केज बोला जाता है, तो वो जो रिब्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट एंड लंग्स को। सिमिलरली ब्रेन जो है वो बहुत डेलिकेट है, तो जो वो खोपड़ी वाला जो पार्ट है जो स्कल बोलते हैं वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। सिमिलरली सेंस ऑर्गन्स एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी बैक में स्पाइनल कॉर्ड होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन होती है वो बहुत हार्ड होती है। तो जो प्रोटेक्शन का वर्क है वो भी स्केलेटन का ही वर्क है, सपोर्ट का भी एंड बॉडी को शेप देने का भी।
तो ये जो कुछ वर्क है ये हमारी बॉडी के लिए है। आगे चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल, कि ये जो अपना स्केलेटल सिस्टम है इसमें पार्ट्स हैं, जैसे स्कल का हम अलग पढ़ेंगे, रिब केज क्या है वो पढ़ेंगे, बैकबोन, इन तीनों ही के बारे में हम पढ़ेंगे। कि रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग को, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। इन तीनों के बारे में ही डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेल्विक रिडल क्या है, लिम्ब्स क्या होते हैं, जो मैं बार बार लिम्ब्स कह रही हूँ, एंड देन कार्टिलेज का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आप रिसीव करेंगे।